हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ टू एन अमेजिंग प्लेस बाय द नेम ऑफ जर्मन बेकरी। भाई व्हाई जर्मन बेकरी फॉर टुडे? द रीजन इज टुडे इज माय 100th लॉन्ग वीडियो एंड दैट्स माय हैप्पी स्पेस फॉर टुडे। आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ इस प्लेस पे जहाँ पे मैंने ट्राई किया ये 8-layer पेस्ट्री, वाटरमेलन जूस और पनीर भुर्जी पाव। इट वॉज इंडीड एन अमेजिंग थिंग। आज मैं आपको दिखाऊंगी ये पूरा का पूरा प्लेस, द बजट एंड नॉट टू फॉरगेट वेदर इट इज इकोनॉमिकल और नॉट, बिकॉज बींग अ कॉलेज स्टूडेंट इट मैटर्स अ लॉट। सो स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय। वेल, एज टेस्टी एज दिस 8-layer चॉकलेट पेस्ट्री इज, उतना ही टेस्टी होने वाला है आज का ब्लॉग। सो इन द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग द सिटी आई एम हियर एट जर्मन बेकरी। I was literally the first person to come up over here. I came sharp at 8, checked the time on Google that it opens at 8, so couldn't hold myself and I am here. I'm going to show you the entire place. Obviously, it's too early so I'm not getting a lot of options, but I thought that this would be the perfect time considering the fact that I'll be able to shoot my vlog. So enjoy the vlog, stay tuned. In case you haven't yet subscribed to the channel, why? What are you doing? Come on dude, karlo subscribe. Put the bell icon on so that you can get the updates of every video that I upload. Also, this is tempting me a little too much, so I would keep the intro really short. Enjoy the vlog. चलो थोड़ी बहुत सेल्फ प्रमोशन तो हो गई और आई एम श्योर कि आपने मेरी बात सुनी होगी और अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। नहीं किया है तो कर दो यार, क्या जा रहा है तुम्हारा। सो आज मैं गई थी केपी में जहाँ पे मुझे मिली ये जर्मन बेकरी। सो इट्स समथिंग दैट इज टॉक्ड अ लॉट इन माय हॉस्टल, अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट इट। आई एम अ लिटिल लेट टू एक्सप्लोर दिस प्लेस बट येस इट वॉज वर्थ इट। यहाँ है थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन, नॉट वेरी डिफिकल्ट और एनीथिंग, इज़ जस्ट दैट कि वो थोड़ा सा चेकिंग एंड ऑल दैट करते हैं, विच आई फील इज़ क्वाइट गुड बिकॉज अल्टीमेटली दैट इंश्योर्स योर सेफ्टी एंड दिस वॉज द इंटायर प्लेस। यू नो वॉट, मुझे एक चीज़ यहाँ पे देख के समझ में आई कि यहाँ पे ग्रीन एंड वाइट को थीम बना के मोस्ट ऑफ द चीज़ों को उसी एरिना में उसी पर्टिकुलर वे में प्रेजेंट किया गया है। थोड़ा सा ना हिस्टोरिकल काइंड ऑफ सेटअप लगा मुझे, नॉट लाइक दोज मॉडर्न काउच काइंड ऑफ चेयर्स और एनीथिंग, बट दे हैड दिस ब्यूटिफुल चेयर्स विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट एंड ग्रीन एंड इवन द लोगो ऑफ द प्लेस वॉज एक्चुअली दिस आउल। दो आई ट्राइड टू फाइंड आउट मोर अबाउट इट बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट गेट इट। वन अमेजिंग थिंग अबाउट द प्लेस इज दे बेसिकली सर्व अ ह्यूज वेराइटी ऑफ थिंग्स एंड दे breads are very very famous, starting from garlic bread to home baked bread to so many other things. मैं तो सीरियसली यार ये इतनी अमेजिंग चॉकलेट पेस्ट्रीज को देख के ना फॉर अ मोमेंट टेम्प्टी हो गई थी। मुझे लगा कि यार लेट्स जस्ट हैव एवरीथिंग, बट सिंस आई रीच देयर अर्ली इन द मॉर्निंग नॉट एवरीथिंग वॉज अवेलेबल, बट या इट वॉज ओपन, इट वॉज वेकेंट। इन केस यू वॉन्ट टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ पर्सनल टाइम यू कैन गो फॉर इट। ये रहे उनके ब्रेड एंड ऑल के मेन्यू, बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने इसका पाव ट्राई किया था जो मैं आपको इसमें दिखाऊंगी भी। यहाँ पे ना ये उन लोगों ने एक आउल वाला स्टैचू टाइप का भी बना के रखा हुआ था। एट अ ग्लैंस आपको फील होगा कि यू आर समवेयर अराउंड गोवा, दीज बैम्बू रूफ विद दैट कवरिंग टू मेंशन यू नो मेक श्योर दैट द रेन डजंट रियली डिस्टर्ब द पीपल एंड दिस अमेजिंग प्लेस वॉज रियली वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेज आई हैव एक्सप्लोर्ड एज ऑफ नाउ। मुझे ना ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड पता चला कि यार इन लोग का एक फर्स्ट फ्लोर भी है, तो ये रहा उसका फर्स्ट फ्लोर। दो द रूफ इज अ लिटिल लो, इन केस यू आर लिटिल टॉल मेक श्योर यू माइंड योर रूफ। और यहाँ पे आके आपको मस्त सा फील आएगा बिकॉज हम लोग ने ना अगर हिस्ट्री की बुक पे आपने थोड़ा सा देखा होगा ना, सो इट वॉज बेसिकली अ रेट्रो एंड अ हिस्ट्री बुक मिक्स with these blue windows which I have seen a lot in my history books for the German Revolution people, French Revolution and so much more. In fact, the upper deck of the entire floor had a little bit of mix of blue as well. Simple decoration on top of that, very amazing staff, superbly warm. और यहाँ पे तो अपने Michael Jackson भी आ गए थे। I'm not sure, but I think that is Marilyn Monroe, but I'm not very sure. तो छोड़ो, ignore ही कर दो. But yes, this was amazing. चलो अब चलते हैं अपने मेन्यू पार्ट में। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जगह दिखाने के बाद में थोड़ा बहुत मैं मेन्यू के बारे में बात करूँ, because for me it matters a lot and I'm sure it matters for other people as well.
आई नॉर्मली फाउंड दैट देयर वर अ गुड अमाउंट ऑफ आइटम्स रेंजिंग फ्रॉम आई थिंक अराउंड 200 टू 500 विच इज़ प्रिटी ओके डिपेंडिंग ऑन वॉट योर बजट अलाउज एंड स्पेशली विच पार्ट ऑफ द मंथ यू आर गोइंग. इनिशियली शुरुआत में तो सब लोग अमीर ही होते हैं, बट हाँ देख लो आप अपने हिसाब से. एक जनरल चीज़ मुझे नोटिस हुई वो ये था कि देर वर्न्ट मैनी ऑप्शंस फॉर द वेजिटेरियन पीपल, बट आई थिंक दैट समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन. यहाँ पे मोस्टली बहुत अच्छा खासा मेन्यू मिल जाता है फॉर द नॉन वेजिटेरियन ईटर्स. मेरे को तो सीरियसली यहाँ फील होती है कि वाई द हेल एम आई वेजिटेरियन एनी मोर, बट ठीक है इट वॉज गुड. मैंने ऑर्डर किया था एक एट लेयर चॉकलेट पेस्ट्री और उसके साथ में वाटरमेलन. दो उन दोनों का टेस्ट तो साथ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, विच वॉज प्रिटी ऑब्वियस. रीज़न बीइंग द चॉकलेट पेस्ट्री बीइंग जस्ट सो स्वीट. ये ना यहाँ पे उनके वॉल्स पे ये ग्राफिटीज बनी हुई थी एंड बेसिकली दिस रेड दिस ग्रीन आउल इज कॉल्ड गिब्बीज एंड दैट्स ऑल्सो ऑन द लोगो. दैट्स मी एक्सप्लोरिंग द ईच एंड एवरी पेस्ट्री विच आई वॉन्टेड टू बेसिकली अटैक. But that really was so much amazing because I am a sweet tooth person and I love to have it. Ye raha mera watermelon juice. Trust me, it was a very stupid idea to have these two things together because one was extremely sweet and the other one basically I couldn't really enjoy the taste of it. But theek hai yaar, table pe menu itna zyada unhealthy rakhna bhi acha nahi lagta. Iske baad main na thoda sa aur bhook lag hi raha tha. तो आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है एक और चीज़ ऑर्डर करते हैं. तो मैंने ऑर्डर किया ये कॉटेज चीज़ पाव. बेसिकली ये पनीर की भुर्जी थी एंड अलॉन्ग विद दैट दे हैड गिवन दिस बटर पाव. बेसिक मतलब मस्त ही था यार, सही था, घर वाली फील थी. नॉट वेरी स्पाइसी बिकॉज आई एम नॉट वेरी मच इन टू स्पाइसी फूड. अलॉन्ग विद दैट दे हैड दी स्मॉल लिटिल पोटेटोज जो कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये वो जो दम आलू होता है ना उसका पोटेटो होता है. एंड देयर वाज दिस फ्रूट अगेन, इतना तो मुझे पता, आई थिंक ये ऑरेंज का ही कुछ वेरिएंट होगा बट आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ. अब मेन्यू की बात हो गई, जगह की बात हो गई, लेट्स कम टू द थर्ड मोस्ट सेगमेंट विच इज़ द बिल. तो बिल पे आने से पहले ना मैं आपको दिखाना चाहूँगी वो बेसिकली गॉट अ स्मॉल वी बॉक्स विच हैड द बिल इन इट विच आई फाउंड रियली नाइस एंड द रीज़न ऑफ दैट वॉज इट वॉज एक्चुअली अ बास्केट बॉक्स. अगैन ईको फ्रेंडली. आई लव टू सी दीज स्मॉल लिटल यू नो अटेम्प्ट्स ऑफ एनी ऑफ द प्लेसेस वेयर इन दे ट्राई टू कट डाउन ऑन द प्लास्टिक. था तो बहुत सही बट जैसे ही मैंने खोला इसके अंदर निकला 690 रुपीज़ का बिल. इसमें सर्विस चार्ज एडेड था. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गेट दैट रिमूव्ड बट सिंस आई वॉज जेन्युइनली हैप्पी विद द सर्विस आई डिसाइडेड आई एम गोना गो अहेड एंड प्ले द सेम. वेल दैट्स माई हैप्पी स्पेस और मेरा सुंदर सा मस्त सा हैप्पी हैप्पी फेस. आई रियली होप आप मेरे साथ यहाँ तक बने हुए थे. बने हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना.